माईसेल्फ डॉक्टर अमितल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रोसर्जरी सेंटर वैशाली नगर जयपुर। हमारे पास ये पेशेंट है जो कि बच्चू सही है। इनकी कोहनी जाम थी बिल्कुल, इनका यहाँ का कोई चोट लगी थी कोहनी में जिसके लिए प्लास्टर लगा दिया गया था। फिर ये हमारे पास आए जिसमें ये जो कोहनी है ना सीधी होती थी और यहाँ से ना मुड़ती थी और ये मुँह तक हाथ नहीं जाता था, ऐसे करना पड़ता था। और यहाँ पर भी दर्द रहता था, यहाँ पर भी दर्द रहता था और यहाँ पर भी सुनसा रहता था इनको। तो इनसे पूछते हैं इनको चोट कैसे लगी, इन्होंने शुरू में ट्रीटमेंट क्या लिया और हमारे से कैसे मिले और हमसे ऑपरेशन क्यों कराया और फिर हमसे कराने के बाद आज इनका कैसा रिजल्ट है और कैसा एक्सपीरियंस है। सर आप बताओ सर, पूरा अच्छे से कहाँ गया सर? इतना दूर, इतनी दूर तो फ़ायदा ही नहीं है इसका। 3 महीने पहले की बात है, हम बाहर खेल रहे थे तो साइकिल से गिर गया। गिरने के बाद ये एल्बो डिसलोकेट हो गई थी, किसी पास के हॉस्पिटल में हमने ट्रीटमेंट कराया, वहाँ पे उन्होंने प्लास्टर बांध के मुझे दे दिया। उसके बाद में मेरे को हाथ में कोई भी रिजल्ट कुछ बिल्कुल भी नहीं आया, ना ही मेरे हाथ में कुछ भी रिजल्ट था, परेशान होता था, दर्द दर्द था। फिर मुझे किसी ने सर के बारे में बताया, फिर मैंने यूट्यूब पर चेक करा तो इनका चैनल मिला, उसके बारे में मुझे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि सर बहुत अच्छे हैं और इनसे एडवाइस देनी चाहिए। फिर इनके पास आया सर के पास, उन्होंने मेरे को अच्छे से समझाया, फिर मेरे को थोड़ा विश्वास हुआ तो मेरे को अच्छा लगा। यहाँ के केस भी देखे तो मेरे को यहीं भी कराना पड़ेगा ऑपरेशन, अच्छा लगा मुझे। तो जब हमने आपको बताया कि इसमें ऑपरेशन होगा और कोई तरीका नहीं है तो सारे फैमिली वाले तो डर गए होंगे? नहीं फैमिली, एक तो पहली ट्रीटमेंट लेकर देख चुके हैं, अब दूसरा एक ऑपरेशन और करा लें। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगा था, फिर आपसे मिले तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, कराना चाहिए ऑपरेशन। अच्छा, तो अब जैसे तुमने ऑपरेशन करा लिया और इसको कितना टाइम लगा ठीक होने में? मैं महीने भर में पूरा हो गया सही। अब वो जो महीने भर का जो टाइम लगा वो लोगों को बताओ, तो तुमने अगर वो एक्सरसाइज पर्सनल जैसी हमने बताई थी अगर नहीं करते तो क्या ठीक हो जाते तुम? नहीं, मैं लोगों को बताओ कि जब कोहनी जाम होती है उसको किस टाइप से एक्सरसाइज करके ठीक करना होता है। सबसे पहले तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वहाँ एक्सरसाइज करो, जो भी बोलते वो करो, उसके बाद घर पे जितना टाइम मिलता रहे घर के काम करो, कोई भी वेट ले लो हाथ के अंदर, उसको लेकर के घूमो, इसको यहाँ रखो, यहाँ से वहाँ रखते जाओ, बस घर के सारे काम करो, उससे ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज दिन भर करते रहो जब भी टाइम मिले। हमने कितने टाइम की दवा दी थी आपको? बस 7 दिन की दी थी। 7 दिन की दवा, कोई दवा नहीं? और उससे पहले आप कितने टाइम दवा खा रहे थे? कंटिन्यूअसली खा रहे थे? हाँ, रेगुलर चल रही थी दवा। हमने कोई दवाई नहीं दी आपको? नहीं, कोई दवाई नहीं दी। सर आप बताओ अब इनके भैया हो गए कि आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मेरा नाम आकाश है और मैं मयंक का बड़ा भाई हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था, जब इसका डिसलोकेट हुआ तो हम लोग परेशान हो गए थे। हम पास के डॉक्टर, पास के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने छोटा मोटा इलाज करके और हमको भेज दिया। फिर इसका तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था हाथ में कि भाई, अब हमको तो डर था ही ना कि भाई जिंदगी भर हाथ ऐसा रह जाएगा। तो फिर हमने आपके यूट्यूब चैनल्स वगैरह देखे, इसने ही देखे, मयंक ने रिकमेंड किया कि सर के पास चलना चाहिए। और मेरा बड़ा भाई है, उसने भी रिकमेंड किया कि भाई एक बार सर को दिखाओ। फिर हम डायरेक्टली सर के पास आए और सर से हम बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हुए कि हमको इलाज करवाना है तो इन्हीं से करवाना है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहीं भी हो, चाहे जयपुर में हो चाहे कहीं भी हो, इलाज तो सर से ही करवाना है क्योंकि इनसे बेस्ट डॉक्टर नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पर जब आप आए कहाँ कहाँ से पेशेंट देख रखे हैं आपने यहाँ पर? सर अभी मैं आया हूँ तो यहाँ से बिहार से भी आ रखे हैं, उत्तराखंड से भी आ रखे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रखे हैं, यूपी से भी आ रखे हैं, तो मतलब ऑल ओवर है ही नहीं गाई। मैं तो मतलब किसी को भी रिकमेंड करूँगा तो सर के लिए करूँगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं कर सकता क्योंकि इनसे बढ़िया डॉक्टर नहीं है। आपने हमें यूट्यूब में देखा था, हम वैसे ही हैं या कुछ अलग हैं यहाँ पे कुछ और? नहीं 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 सर, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है, जो मतलब पेशेंट बोल रहा है ना वही यूट्यूब पे आ रहा है, सर की तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं है उसमें। नहीं हम जो मतलब यहाँ पे इलाज ढंग से कर नहीं नहीं सर परफेक्ट है बिल्कुल कर कुछ रहे हैं और नहीं 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 सर बिल्कुल परफेक्ट है। आज मेरा भाई का हाथ आप देख सकते हो वीडियो में, बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, ये हाथ मतलब सीधा तो नहीं, मतलब कुछ खा भी नहीं सकता था और आज ये सारी चीजें कर रहा है बिल्कुल परफेक्टली। सिर्फ 1 महीना ये इनका? हाँ, 1 महीने के अंदर। ये देखो, ये ऑपरेशन हुआ है पूरा, ये ऑपरेशन हुआ और उसके बाद ये जब मेरे पास आए थे तो बिल्कुल ये सिर्फ ऐसे था, इतना इतना मूवमेंट होगा और जरा सा करते ही इसको इतना दर्द होता था कि सोच नहीं सकते। यहाँ पर भी दर्द होता था और यहाँ पर भी इसको दर्द होता था, ठीक है। और आज हम यहाँ आए ना तो मिठाई लेके आए कि भाई सर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और ऐसे था, ठीक है।
तो इनके थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ, जब भी कोई कोहनी की चोट होती है, कोहनी जाम हो जाती है और आप एक्सरसाइज करा रहे होते हो, कुछ लोग ऑपरेशन करा चुके होते हो, कुछ प्लास्टर के साथ ट्रीट कर रहे होते हो, ऐसे लोग एक बार स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं टाइम रहते हुए, क्योंकि अगर एक बार कोहनी जाम हो गई और उसके बाद उसका इतना बड़ा ऑपरेशन हो जाता है, अगर ज़रूरत है तो इमीडिएटली ऑपरेशन करा के उसको ख़त्म करो, क्योंकि जो फ्रैक्चर्स हैं अगर वो आपने फिक्स नहीं करवाए तो ऑपरेशन के टाइम आपको पहले फ्रैक्चर फिक्स करना होगा, फिर उसके बाद मूवमेंट करना होगा और बहुत दर्द सहना पड़ेगा, दवाई ज़्यादा खानी पड़ेगी और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये लकी थे कि इनकी जो चोट थी वो डिसलोकेट हुई थी, हड्डी की पार्ट जो टूटे हुए थे वो बाहर पड़े थे, जॉइंट के अंदर पड़े थे, और जो लिगामेंट थे वो थोड़े टूटे हुए थे, वो सब हमने रिप्लेस किए, रिपेयर किए और बोन को अपनी जगह लाए, और जो नर्व दब चुकी थी जिसके कारण दर्द हो रहा था, यहाँ पे सुनपन भटरता जा रहा था, उसको हमने आगे ट्रांसपोज कर दी, जिसके लिए जो सुनपन है धीरे धीरे इंप्रूव होएगा, क्योंकि वो नर्व का काम होता है, नसों का काम है, लेकिन जो मूवमेंट का काम है वो हमने इमीडिएटली करवाया। अगर हम इनकी नस वहीं रखते और फ्री नहीं करते और कहते मूवमेंट करो, तो ये 100% कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि हमने उसको फ्री करके आगे लिया है। यही कारण है कि इसको मूवमेंट में असिस्टेंस हुआ और ये कर पाया। अगर ये खुद अपने आप एक्सरसाइज नहीं करता तो कभी ठीक नहीं होता। हमने इनको दर्द की दवा मिनिमम इसलिए दी थी क्योंकि नहीं तो दर्द के डिपेंडेंट के ऊपर रहेगा और खुद के ऊपर जिम्मेवारी रखेगा, सब घर का काम करेगा, तो जल्द से जल्द ठीक होगा। धन्यवाद।